ये होता है बेसिकली मेरा अर्ली मॉर्निंग का खाली पेट एम्प्टी स्टोमैक, ये मेरा नुस्खा है। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मतलब ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसमें या सिया सीड और गरम पानी डाल के आराम से इसको पियो। धीरे धीरे पियो, ऐसा नहीं गटक गटक के पी लो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको पीना होता है क्योंकि सिया सीड वगैरह है तो इसको अंदर जाना है, वो एसिडिटी वगैरह फिर वेट लॉस करने के लिए सब कुछ एक साथ काम करेगा। सो धीरे धीरे थोड़ा पीना पड़ता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। तो आज बेसिकली वेदर बहुत ही अच्छा है तो मैं और पीयू सोचा कि चलो एक घूम के आते हैं, छोटा कहीं एक शॉर्ट टूर करके आ जाते हैं। तो मैं सोचा, बहुत बार हम लोग चिड़िया टापू गए हैं लेकिन चिड़िया टापू के वहाँ एक ट्रेक पॉइंट भी है मुंडा पार करके, सो हम लोग वहीं पे जाएंगे आज मुंडा पार। सो फिलहाल अभी मैं देखता हूँ मेरा कपड़ा वगैरह सूखा है कि नहीं, तो भीगा पड़ा है वो, और एक जीन्स है मेरा घर में है और एक जीन्स, वो वाला देखना पड़ेगा कि वो सूखा हुआ है कि नहीं। वो अगर सूखा हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे ट्रेक जो है ना कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रेक है, अभी उसको चढ़ाई करना पड़ता है। सो चढ़ाई के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर कम्फर्टेबल नहीं पहनूंगा तो चढ़ाई के टाइम प्रॉब्लम है। सो शूज़ वगैरह पहनना तो ज़रूरी है लेकिन ऊपर का ड्रेस भी कम्फर्टेबल पहनना। और मिडिल में हम लोग जाएंगे, मेरा एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सीनियर का घर यहाँ पे आके उनसे मुलाकात हुआ था, अभी जैसे एक फैमिली मेम्बर ही बोल सकते हैं यहाँ का। सो उनके घर जाऊँगा आज, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर वहाँ से निकलूँगा मुंडा पहाड़ के लिए। एक्चुअली मेरा ये वाला ड्रेस को थोड़ा प्रेस करने से अच्छा रहता क्योंकि अभी थोड़ा एकदम फट फुट गया है, मतलब थोड़ा प्रेस करने से जो एकदम स्ट्रेट रहेगा वो स्ट्रेट चीज़ नहीं है, अभी थोड़ा सा बिखर गया है। लेकिन लेके भी नहीं आए ना कलकत्ता से, हाँ हम लोग आने के टाइम प्रेस लेके भी नहीं आए, वो ही एक प्रॉब्लम है। ठीक है छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिलहाल रेडी तो हो गए, अभी निकलते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ मैंने देखा, पीयू भी नोटिस किया, पीयू भी बोल रहा है कि मतलब बहुत वेट मैंने कम कर लिया, अभी बेल्ट का मेरे को पहले यहाँ तक आता था, अभी वहाँ पे 3-4 एक्स्ट्रा डॉट मेरे को लग रहा है, मतलब ऐसा ये हो गया, दुबला हो गया। तो मेरा ये नुस्खा काम कर रहा है बेसिकली, ये देख के अच्छा लगता है कि मैं जो फॉलो करता हूँ वो काम करता है, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी फॉलो करो उसको बेसिकली। अच्छा कैमरा मैन मिल गया मेरे को, थैंक गॉड, मेरा बीवी मेरा कैमरा पकड़ा है, ये सबसे अच्छा बात है। आज मेरा पिकनिक था, ये आदमी देख लो सब, ये मुझे जाना नहीं दिया, इतना सामने से कैमरा पकड़ने से नहीं होता। हाँ अभी बोलो। हाँ, आज मेरा पिकनिक था ऑफिस से, ये आदमी, इसके लिए मैं नहीं जा पाई पिकनिक। हाँ, मैं उसको क्या बोला कल रात को हम लोग खाने के लिए, बाय द वे मैं अभी से एक, मैं और पीयू ने डिसाइड किया है कि अभी से जितना भी रेस्टोरेंट में हम लोग सोचते हैं कि हर महीने 4 बार जाएंगे खाने के लिए, लेकिन 4 बार से ज़्यादा होता है, 8-10 बार हो जाता है। सो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ का रिव्यू, वहाँ का वीडियोस बना के हम लोग यूट्यूब में डालेंगे, तो उसमें क्या होता है एक अच्छा कंटेंट भी हम लोगों को मिल जाता है, आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट हम लोग कर सकते हैं। सो हो गया। बाय द वे कल क्या हुआ था, कल हम लोग जब गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए तभी बोल रहा था नहीं मैं अकेला जाऊँगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अभी सुबह भी मैंने बोला कि तुम जाओ, लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं मैंने, मेरा गलती है, मेरा गलती है मैं नहीं कि नहीं। तो बेसिकली आज सुबह क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से निकले एकदम फ्रेश ना पोके, एकदम ड्रेस वगैरह करके नहा के एकदम निकले हम लोग जहाँ घूमने के लिए जाने थे, वहाँ पे हम लोग निकल गए। पहले वो भैया के घर गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद हम लोग जाने वाले थे सनसेट पॉइंट। अभी होता है काम यहाँ पे सनसेट पॉइंट के लिए, क्या होता है कि ऑन द वे में बारिश तो एकदम फाड़ के, अभी भी बाहर पूरा रेनकोट सूख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हुआ। हम दोनों डिसाइड किए कि भाई छोड़ो अभी घर जाते हैं, आराम से सोते हैं, मेरा भी काम है, उसका भी थोड़ा काम था घर में। सो दोनों ने काम ख़त्म किया, घर में आके सो गए। फिलहाल सनसेट पॉइंट आज नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट डे नेक्स्ट बार और एक बार जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये क्यों होता है पता नहीं, मतलब कैसा ट्रेजिडी है पता नहीं, या हम दोनों जब भी प्लान करके सनसेट के लिए निकलेंगे तब भी बारिश होगा, मतलब हम दोनों सनसेट देख ही नहीं पाते। सो छोड़ो भाई, ठीक है नेक्स्ट किसी दिन एक बार प्लान करेंगे, नेक्स्ट महीना और एक बार मैं छुट्टी लेने वाला हूँ 2-3 दिन के लिए, सो तभी प्लान करेंगे कि जाने के लिए। कल फिलहाल मेरा काम नहीं है कुछ, मतलब इवनिंग में मैं देख रहा हूँ जैसा हिसाब है कि इवनिंग में काम नहीं है, अगर फिलहाल काम नहीं रहता है कल इवनिंग
तो कल मैं कोशिश करूंगा सनसेट जाने के लिए। बेसिकली कल मेरा टेबल एंड मेरा चेयर यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो रूम है टोटल, ये रूम को मैं एक स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। अभी कितना कंप्लीट कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिलहाल इसको स्टूडियो बना दूँ। जो मेरा टेबल का सेटअप रहेगा वो यहाँ पे बिठा दूंगा और बैक साइड में यहाँ पे एक बड़ा सा बॉम बाइसेप्स का लोगो रहेगा। और बहुत जल्दी अगर पकड़ लो 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो यहाँ पे एक छोटा सा 1K लगा दूंगा, वो भी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी ये घर को स्टूडियो बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा। सो अभी आज तो नहीं हो पाएगा, सोचा था बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल ट्राई करते हैं कल जाने के लिए वहाँ पे, तो एक थोड़ा सा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे दूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा एंटरटेन हो जाओ वीडियो देख के।